हेलो एवरीवन, आज मैं कद्दू की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो मेरी रेसिपी को अंत तक देखिएगा। कद्दू को मैंने वॉश कर लिया है, अब हम काट लेंगे। ये सब्जी बहुत जल्द बन जाती है और खाने में भी टेस्टी होती है। इनका आप छिलका भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो अब हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। पकने में कम टाइम लगता है और ये वेट लॉस या डाइटिंग वाले भी ये सब्जी ज़्यादा खा सकते हैं, वो हेल्दी भी होती है। छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। बीज भी निकाल दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत स्वीट आता है, इसीलिए उनका बीज निकालना ज़रूरी है। तो काट लिया है, अब हम पैन लेंगे। पैन गर्म होने के बाद ऑयल डालेंगे, राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, उसके बाद लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट डालेंगे। उनको अच्छे से पकाएंगे। हींग पाउडर डालेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। हल्दी पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काटा हुआ कद्दू डालेंगे। तेल में अच्छे से पकाना है। और थोड़ी ये सब्जी स्पाइसी ही अच्छी लगती है। आप स्पाइसी नहीं खाते हो तो कम मिर्च डालिएगा, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अच्छे से पकाएंगे और मसाला करेंगे। लाल मिर्च पाउडर, कूटा हुआ धनिया, थोड़ा स्पाइसी मसाला, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पक चुके हैं, अब हम नींबू का रस ला लेंगे। और धनिया भाजी, हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम सर्व करेंगे। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।